चार मंडल के पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त से मिलकर कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के बीच नगर निगम की दुकानों के बंदी के समय का किराया माफ करने तथा जिला प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन के तीसरे चरण में और ऑड इवन में खुली दुकानों का आधा किराया लिए जाने की मांग की। काशीपुर में आज व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रभात साहनी एवं महामंत्री अमन बाली के संयुक्त नेतृत्व में व्यापार मंडल के पदाधिकारी नगर निगम में नगर आयुक्त से मिले। इस दौरान उन्होंने काशीपुर नगर निगम के अंतर्गत आने वाली दुकानों का किराया लॉकडाउन के दौरान बंदी का हवाला देते हुए माफ करने की मांग की। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रभात साहनी ने कहा कि नगर निगम की दुकानों का किराया लॉकडाउन की बंदी के दौरान माफ तथा ऑड इवन फार्मूले के तहत खुली दुकानों का किराया आधा लिया जाना चाहिए। वहीं नगर आयुक्त प्रकाश चंद्र ने कहा कि बोर्ड में इस पर विचार किया जाएगा तथा बोर्ड का जो भी निर्णय होगा उसके सापेक्ष व्यापार मंडल को निर्णय से अवगत करा दिया जाएगा। जो कोविड-19 की वजह से इतने टाइम लॉकडाउन की वजह से जो दुकानें बंद रही हैं, फिर ऑड एंड इवन का सिस्टम लागू करा प्रशासन ने, उसकी वजह से महीने 15 दिन दुकानें खुली हैं। तो हमारा ये कहना है कि उस समय जिस समय पूर्ण लॉकडाउन था उस समय जो नगर निगम की दुकानें हैं उनका किराया माफ़ करा जाए और इवन के टाइम पर उन दुकानों का किराया आधा किया जाए। लॉकडाउन की अवधि में दुकानों का किराया माफ करने के बारे में लिखा हुआ है ज्ञापन है, और चूँकि वित्तीय प्रकरण है निगम की आर्थिक स्थिति इसमें वो हो रही है सफर कर रही है और इसमें बोर्ड में इस पर विचार करेंगे और बोर्ड का निर्णय होगा तो उसी के सापेक्ष इस पर निर्णय लेकर के व्यापार मंडल में होगा।